इसमें ऐसा ही है कि लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने रिट दायर की थी हरासमेंट की, जहीर की वालदा की तरफ से, कि हमें गैर कानूनी तौर पे हरासा किया जा रहा है, तो वो रिट इनकी जो है वो खारिज कर दी गई है। और लाहौर हाई कोर्ट ने इनको यही कहा है कि आप ट्रायल कोर्ट में जाके पेश हों, जो कि सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएँ। और सिंध हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, उसमें इन लास्ट पैराग्राफ अगर आप उसका पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा गया है कि जो एज का तयन है बच्ची का और मेडिकल वगैरह का और बर्थ सर्टिफिकेट का, ये सारे मामला ट्रायल कोर्ट ने देख लिए हैं। और जो आईओ है वो 173 की रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो ट्रायल कोर्ट में जमा करवाए, और ट्रायल कोर्ट अगर ये बयान भी जमा करवाए जो सिंध हाई कोर्ट में हुआ है, अगर ट्रायल कोर्ट इस बयान से मुत्तफिक है तो ठीक है, नहीं तो वो खुद भी बयान ले सकती है और वही आखिरी फैसला हतमी फैसला इस केस के ऊपर दे। और जो सिंध हाई कोर्ट में बयान हुआ है उसमें लड़की ने दिया है बयान कि मेरी उम्र है 17 से 18 साल, जबकि मेडिकल में आई है 16 से 17 साल, तो इसका मतलब लड़की जो है वो झूठ बोल रही है, उसके बयान की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, मतलब उसके बयान में कोई शक की गुंजाइश है या उससे बयान ये दिलवाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इसमें 18 साल का जो निकाहनामा है, निकाहनामे में 18 साल आ गया, उम्र 18 साल लगवाई हुई है, और जो बच्ची की मेडिकल को भी अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो जो कि गलत है, उसके मुताबिक भी 16 से 17 साल है। तो बेसिकली लड़की 14 साल की है, सारा डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रूव हो चुके हैं। अब ये ट्रायल कोर्ट से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और ट्रायल कोर्ट से या इसमें जो आपने फिर दूसरी अहम चीज़ देखी होगी कि इसमें मौजूदा अदालत ने ये भी लिखा है कि वी आर नॉट इनक्लाइंड टू इशू एनी डायरेक्शन एज रिकार्ड टू स्टेटमेंट ऑफ एलेज ऑब्जेक्टिव दुआ ज़ाहरा, कि जो उनका बयान हुआ है वो हम किसी के ऊपर मायल नहीं कर रहे। ट्रायल कोर्ट आज़ाद है, वो अपना जैसे मर्जी बयान लिखे जो मर्जी करे, इसमें फुल उसको अख्तियार है। तो मुख्तसर बात यह है कि ट्रायल कोर्ट को तो इन्होंने किसी खाते में नहीं लाया, और उसको बगैर इन्फॉर्म किए पुलिस की मिली भगत से इन्होंने जो है वो बच्ची को लाहौर शिफ्ट कर दिया। और दूसरी अहम बात इसमें एक चीज़ और है कि बच्ची को किसी अदालत ने अभी तक ना लाहौर में हाई कोर्ट ने, ना पंजाब हाई कोर्ट ने, ना इसमें सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी की सहीर को नहीं दी। उन्होंने सिर्फ बच्ची को बाजियाब करवा के सिंध हाई कोर्ट ने आज़ाद किया है, सेट एट लिबर्टी किया है कि वो जहाँ चाहे जा सकती है अपने वेयर अबाउट्स बता के, लेकिन पुलिस ने बदनीयती के साथ उसको जहीर के साथ रखा हुआ है, नीयती के साथ उसको जहीर के साथ रखा हुआ है जो कि गैर कानूनी तौर पे है, और हालांकि उसको किसी शेल्टर या पनाह गाह में रखा जाना चाहिए था लेकिन वो गैर कानूनी तौर पे इन्होंने रखा हुआ है। और अगर बच्ची जहीर के साथ जाना चाहती है तो उसका स्टेटमेंट ट्रायल कोर्ट में होगा तो वो फिर जा सकती है। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें मैं अब आपको बताऊँ कि अभी तक FIR मौजूद है, निकाह नामे का गवाह और कारी गुलाम मुस्वा जो जुडिशल हो चुके हैं वो अभी तक जेल में हैं, और इससे ये साबित होता है कि निकाह नामा भी जाली मार रहे हैं और बच्ची को रिलीज़ भी कर रहे हैं, और वालदैन से आपके सामने मुलाकात नहीं करने दी गई और वालदैन के सच्चे डॉक्यूमेंट्स को झुठलाया गया। तो ये केस तो अब सारी दुनिया के सामने प्रूव कर चुके हैं हम लोग, और ये अब उतर आए हैं। इंतज़ामिया ने मिल के जो है वो अदलिया को गुमराह किया है और उनसे जो है इस तरह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम कभी नहीं होने देंगे। और ये जो इन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी है इसके बारे में हम तौहीन अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जा सकते हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम सिंध हाई कोर्ट के फैसले को मैं भी चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में। और इसके अलावा अभी मैं अपनी पूरी स्ट्रेटजी आपको नहीं बता सकता, लेकिन लीगल प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट होगा, और इस तरह से तो किसी को भी कानून से लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किए बगैर भागने नहीं दिया जाएगा। और अगर अदालतों में लिखे पड़े डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर इंसाफ इंसानों को नहीं मिलेगा, लोगों को नहीं मिलेगा, और लोगों की 14 साल 13 साल की बच्चियों के झूठे मेडिकल झूठे डॉक्टर बना के इस तरह से लोगों की बच्चियों का मजाक उड़ाएंगे तो वो पूरा माशरा फिर निकल आएगा, और किसी सूरत इसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। और इसमें हम वकला भी जो हैं वो लाहौर से, मैं आपको खुशखबरी दे दूँ, बदर लॉ एसोसिएट की तरफ से हम वकला भी इसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे, और लीगल जो है वो इसमें जहाँ तक हो सका वो करेंगे, और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जहाँ तक हो सका वो करेंगे, क्योंकि ये किसी किताब में नहीं लिखा कि इतना बड़ा ढेर कागजात का उसको एक
झूठे मेडिकल की बेस पे जो सस्पेंड हो चुका है, कोई अंधेर नगरी है, जंगल का कानून है, ये नहीं चलने दिया जाएगा। और इसमें सबसे अहम बात ये है कि जिस तरह को वालदैन को रद्दी की टोकरी में फेंका गया है, ये किसी सूरत काबिले बर्दाश्त नहीं है। और मैं सलाम पेश करता हूँ मेहदी साहब की हिम्मत को कि जिन्होंने वाकई एक दबंग और एक आप कह लें कि बाकायदगी से एक सब्र का मुजाहरा किया है और एक मुस्तकिल मजाजी का मुजाहरा किया है और अपनी बेटी की मोहब्बत में जाएगा। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह को वालदैन को रद्दी की टोकरी में फेंका गया है, ये किसी सूरत काबिले बर्दाश्त नहीं है। और मैं सलाम पेश करता हूँ मेहदी साहब की हिम्मत को कि जिन्होंने वाकई एक दबंग और एक आप कह लें कि बाकायदगी से एक सब्र का मुजाहरा किया है और एक मुस्तकिल मजाजी का मुजाहरा किया है और अपनी बेटी की मोहब्बत में इंसाफ के लिए डटे हुए हैं। अल्लाह ताला उनको हिम्मत और इस्तकामत दे। और आज उनको डीजी जो है रेंजर ने भी तलब किया हुआ है और बुलाया हुआ है इस मामले पे, और इसको हम इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे। ये मामला जो है इस तरह हम चुप नहीं बैठेंगे और इसको हम इतना हाईलाइट करेंगे कि ये जो गैंग है इसको हम बेनकाब करेंगे। और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपने देखा कि 10 से 15 लोग तो डिस्चार्ज हुए हैं, तो ये अगर 20 लोग पकड़ के लेकर आए थे तो किस लिए पकड़ के लेकर आए थे कि अगर उनका रोल ना लिखना होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने जानबूझ के, इनकी बदनीति है, ये दबाना चाह रहे हैं इस मामले को, जो बिल्कुल नहीं दबाना दिया जाएगा। और इसमें अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। और अभी तक FIR मौजूद है, लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पुलिस जानबूझ के बदनीति की बुनियाद पर जनाह की दफात नहीं लगा रही और किडनैपिंग की हद तक मुकदमे को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, जिसकी हद तक हम लीगल और कानूनी जंग लड़ रहे हैं और अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद करेगा। यही रहेगी लाहौर में और ये सेफ कस्टडी में पुलिस की होगी, उसके बाद उनके पेरेंट्स को ये हैंड ओवर कर देंगे। जी जैसे दुआ की मर्जी होगी, जैसे जहीर की मर्जी, उसके मुताबिक उनको हैंड ओवर कर देंगे। नहीं शेल्टर में नहीं भेजा, अभी तो सेफ कस्टडी में भेजा, जिस तरह के ये सिक्योरिटी और ये सारे मामला थे इस वजह से अभी तक ये पुलिस के पास में। तो 2000 की मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही उनके पेरेंट्स के साथ, ये भी खबरें चल रही है। 2000 के पेरेंट्स आएंगे तो उनसे मुलाकात होगी, किस तरह हो जाएगी मुलाकात? वहाँ पे तो हो गई थी, अब जहाँ पे भी होते तो मुलाकात हो जाती, रिक्वेस्ट करते तो। अच्छा अभी तो खत्म कर दिया, बिल्कुल अभी तो सेफ कस्टडी में भेजा, जिस तरह के ये सिक्योरिटी और ये सारे मामला थे इस वजह से अभी तक ये पुलिस के पास में। तो 2000 की मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही उनके पेरेंट्स के साथ, ये भी खबरें चल रही है। 2000 के पेरेंट्स आएंगे तो उनसे मुलाकात होगी, किस तरह हो जाएगी मुलाकात? वहाँ पे तो हो गई थी, अब जहाँ पे भी होते तो मुलाकात हो जाती, रिक्वेस्ट करते तो। अच्छा अभी तो खत्म कर दिया, बिल्कुल के साथ उसको जहीर के साथ रखा हुआ है जो कि गैर कानूनी तौर पे है, और हालांकि उसको किसी शेल्टर या पनाह गाह में रखा जाना चाहिए था, लेकिन वो गैर कानूनी तौर पे इन्होंने रखा हुआ है। और अगर बच्ची जहीर के साथ जाना चाहती है तो उसका स्टेटमेंट ट्रायल कोर्ट में होगा, तो वो फिर जा सकती है। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊँ कि अभी तक FIR मौजूद है, निकाह नामे का गवाह और कारी गुलाम मुसवा जो जुडिशल हो चुके हैं वो अभी तक जेल में हैं, और इससे ये साबित होता है कि निकाह नामा भी जाली मार रहे हैं और बच्ची को रिलीज़ भी कर रहे हैं। और वालदैन से आपके सामने मुलाकात नहीं करने दी गई और वालदैन के सच्चे डॉक्यूमेंट्स को झुठलाया गया, तो ये केस तो अब सारी दुनिया के सामने प्रूव कर चुके हैं हम लोग, और ये अब उतर आए हैं। इंतज़ामिया ने मिल के जो है वो अदलिया को गुमराह किया है और उनसे जो है इस तरह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम कभी नहीं होने देंगे। और ये जो इन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी है, इसके बारे में हम तौहीन अदालत और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जा सकते हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम सिंध हाई कोर्ट के फैसले को मैं भी चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में। और इसके अलावा अभी मैं अपनी पूरी स्ट्रेटजी आपको नहीं बता सकता, लेकिन लीगल प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट होगा, और इस तरह से तो किसी को भी कानून से लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किए बगैर भागने नहीं दिया जाएगा। और अगर अदालतों में लिखे पड़े डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर इंसाफ इंसानों को नहीं मिलेगा, लोगों को नहीं मिलेगा, और लोगों की
14 साल 13 साल की बच्चियों के झूठे मेडिकल, झूठे डॉक्टर बना के इस तरह से लोगों की बच्चियों का मजाक उड़ाएंगे तो वो पूरा माशरा फिर निकल आएगा और किसी सूरत इसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। और इसमें हम वकला भी जो हैं वो लाहौर से, मैं आपको एक खुशखबरी दे दूँ, बदरला एसोसिएट की तरफ से हम वकला भी इसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे और लीगल जो है वो इसमें जहाँ तक हो सका वो करेंगे और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जहाँ तक हो सका वो करेंगे, क्योंकि ये किसी किताब में नहीं लिखा कि इतना बड़ा ढेर कागजात का उसको एक झूठे मेडिकल की बेस पे जो सस्पेंड हो चुका है, कोई अंधेर नगरी है, जंगल का कानून है, ये नहीं चलने दिया जाएगा। और इसमें सबसे अहम बात ये है कि जिस तरह को वालदैन को रद्दी की टोकरी में फेंका गया है ये किसी सूरत काबिले बर्दाश्त नहीं है। और मैं सलाम पेश करता हूँ मेहदी साहब की हिम्मत को कि जिन्होंने वाकई ही एक दबंग और एक आप कह लें कि बाकायदगी से सब्र का मुजाहरा किया है और एक मुस्तकिल मजाजी का मुजाहरा किया है और अपनी बेटी की मोहब्बत में जाएगा। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह को वालदैन को रद्दी की टोकरी में फेंका गया है ये किसी सूरत काबिले बर्दाश्त नहीं है। और मैं सलाम पेश करता हूँ मेहदी साहब की हिम्मत को कि जिन्होंने वाकई ही एक दबंग और एक आप कह लें कि बाकायदगी से एक सब्र का मुजाहरा किया है और एक मुस्तकिल मजाजी का मुजाहरा किया है और अपनी बेटी की मोहब्बत में इंसाफ के लिए डटे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत और इस्तकामत दे। और आज उनको डीजी जो है रेंजर ने भी तलब किया हुआ है और बुलाया हुआ है इस मामले पे और इसको हम इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे। ये मामला जो है इस तरह हम चुप नहीं बैठेंगे और इसको हम इतना हाईलाइट करेंगे कि ये जो गैंग है इसको हम बेनकाब करेंगे। और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपने देखा कि 10 से 15 लोग तो डिस्चार्ज हुए हैं, तो ये अगर 20 लोग पकड़ के लेकर आए थे तो किस लिए पकड़ के लेकर आए थे कि अगर उनका रोल ना लिखना होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने जानबूझ के इनकी बदनीति है, ये दबाना चाह रहे हैं इस मामले को, जो बिल्कुल नहीं दबाना दिया जाएगा और इसमें अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। और अभी तक FIR मौजूद है, लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पुलिस जानबूझ के बदनीति की बुनियाद पर जनाह की दफात नहीं लगा रही और किडनैपिंग की हद तक मुकदमे को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, जिसकी हद तक हम लीगल और कानूनी जंग लड़ रहे हैं और अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद करेगा।